हेलो जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। पंजाबी चैनल ते तुहानूं दसदे आं असीं जूस किद्दां बनाउणा। इह कैरट आ जी, इह छिल के असीं धो लईआं, साफ कर लईआं। ते नाल साडे कोल इक कीवी आ, ते इह चुकंदर आ, बीटरूट वी कहिंदे इहनूं, इह गौवा, ते इक एप्पल आ। हुण असीं इहदा होममेड जूस तैयार करांगे। ते एप्पल नूं असीं छोटा कट लांगे, ते गौवा दे वी पीस कर लैंदे आ। कीवी नूं असीं थोड़ा छिल लैंदे आ, क्योंकि इहदा छिलका उतारना हुंदा। तो इस तरह एक गाजर असी ऑलरेडी छिली हुई है, तो हुण असी तुहानूं होममेड जूस बना के दिखाने हैं। एप्पल असी कट लिया, तो नाल असी गावा भी कट लिया, कीवी भी असी छिल के तैयार कर ली। तो हुण असी ये जूसर आ, तो ये असी दो गिलास ले आ जी। तो हुण असी इहदे विच जूस बनाने की तैयारी करते हैं। तो जूस बहुत वधिया बनता इहदे विच, क्योंकि पहला पीस कट लो, तो फिर सारिया चीज़ां दा मिक्स जूस बनेगा, समूदी टाइप बन जाएगा। हुण असीं इहनूं तैयार करदे हां। जूस रेडी हो गया, देखो किन्ना प्योर आ। इदां दा तुहानूं मार्केट विच वी नहीं मिलेगा, बहुत ही हेल्दी जूस आ। हुण असीं इहनूं सर्व करांगे। जूस पीने लिए रेडी हो गया। तुसी भी इस तरह घर में जरूर तैयार करना, क्योंकि आजकल गाजर बहुत मिल रही है। जरूर तैयार करके बस सारे फैमिली मैंबर नूं पियाना। ते तुहानूं साडी वीडियो किवें दी लगी, लाइक सबसक्राइब ते शेयर जरूर करना। सत श्री अकाल। लियाओ जी फिर जूस, जूस पीए जरा बनाया तुसी। जूस चल रही है, वेरी गुड। आज असी गाजर दा मिक्स जूस बनाया जी। इहदे विच असी की पाया, एक कीवी आ, अमरूद, सेब ते गाजर। मुसी सी गाजर, चुकंदर, कीवी, सेब, अमरूद, ये चीज़ा भी पाइया ने। ते जूस जड़ा बड़ा वधिया बने, ते सेहत लिए भी अच्छा हुंदा। सर्दियां दा तोहफा, सर्दियां दी खास करके जरूर डेली जूस दी वरतों करनी चाहिए जी, क्योंकि असीं हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। एक गिलास तां पी लेना चाहिए। ते गाजरां भी अजकल बहुत वधिया मिलदियां जी, फ्रैश। ते गाजर जूस वैसे भी साडे लई बहुत वधिया हुंदा, सेहत लई डॉक्टर भी एडवाइस करदे आ। ते मार्केट दे जूस नालों बहुत वधिया जी, घर लई घर दा जिहड़ा जूस आ। चलो ट्राई करिए जरा कैसा बने। लो बहुत वधिया बने जी, क्योंकि इहदे विच कोई मिलावट नहीं, कोई बर्फ नहीं, कोई कुछ नहीं पाया। नॉर्मल बनाया सी, नॉर्मल ठंडा मिठा जूस, कोई शुगर मिक्स नहीं कीती। ते सेहत लई बड़ा लाभदायक है, पी जाओ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਓ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੱਪ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਘਰੇ ਗਾਜਰਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਗਾਜਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਘਰ 'ਚ ਮੁੱਕਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਗਜਰੇਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ते जूस भी बनाओ, तो 10-20 किलो गाजरा लिया के छिल के साफ करके धो के रखो। तो सब्जी बनाओ जो दिल करे, गजरेला बनाओ जो दिल करे, जूस बनाओ ते डेली एक गिलास पी। सारे किसान भरा ही है जी, जो गाजरा उगाते हैं घर तो उगाते हैं बेचारे, वो किन्ने अंदोलन च बिजी आ, कि उन्होंने ठंड के दिन दिल्ली बैठे हुए आ। मोदी सरकार कोई उन्होंने सुनवाई नहीं करती, तो उन्होंने सुनना चाहिए जी साडे किसान भरा किन्ने ठंड च बैठे आ, अनार भी मिक्स कर सकते हैं।
अनार वधिया अनार मार्केट च अवेलेबल ने, ओ जूस भी बिच अच्छा लगेगा। तो होर भी कई फ्रूट है ने जेडे अवेलेबल ने, उन्हों का जूस भी बिच पा सकते। समुद्री टाइप बन जाता जो अंदर से खावे तो सू हर एक फ्रूट को अलग अलग खाना पैना, अभी पहले गावा खावे या फिर खावे, इस तरह अभी कट्ठिया सारे समुद्री की तरह पी सकते हैं। एक गिलास के सारे चीज़ों का मिश्रण आ जाता। अच्छा जी, फिर हम तुम अगली रेसिपी ना मिलेंगे अगली वीडियो के, तद तक के लिए सू अलविदा दो। सत श्री अकाल जी।